उसमें सबसे पहले कलमा और दूसरे नंबर पे वो लोग जो माँ बाप के नाफरमान हैं जन्नत में नहीं जा सकते लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर। माँ बाप का दर्जा मुकाम कितना बुलंद है। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा हमारी जमीन पे सफर करें, घूमें फिरें देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर के लिए निकले, सफर करते करते ऐसे मुकाम पे पहुंचे, अल्लाह से अर्ज किया या अल्लाह मुझे सवारी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, करीब एक बस्ती है वहां चले जाए, वहां पे एक शख्स है जिसका नाम ये, उसके पास जाए उससे कहें कि हमारे लिए सवारी का बंदोबस्त करें, तो आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, मैं अल्लाह का नबी और मुझे किसी के पास भेजा जा रहा है। खैर गए, उस बंदे से मुलाकात हुई, कहा मैं तेरा नबी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम। उसने बड़ी इज्जत बड़ा एहतराम किया, बड़ी खिदमत की। बाद में आखिर में पूछा हुजूर कैसे आना हुआ, फरमाया अल्लाह ने फरमाया है कि तुझे कि तू मेरी सवारी का बंदोबस्त कर। ये सुनना था उस शख्स ने उड़ते हुए बादलों को इशारा किया कि नीचे आओ, वो बादल नीचे आए, उनको हुक्म दिया ये अल्लाह के नबी हैं, ये जहां जाना चाहते हैं तो लेके जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर फरमाया, अल्लाह से अर्ज किया अल्लाह मैं तेरा नबी, वो मेरा उम्मती, उसको ये मुकाम मर्तबा कैसे होगा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, वो अपनी माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार था, उसके माँ बाप ने दुआ की थी ऐ बारी ताला मेरा ये हमारा ये जो बच्चा है जो तुझसे मांगे तू उसको अता फरमा, तो लिहाजा ये जो बोलता है मैं इसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ, ये सिर्फ इसकी माँ बाप की दुआ की वजह से। माँ बाप की अजमत शान बहुत बुलंद है, बहुत बढ़कर है, बहुत आला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की या अल्लाह कौन खुशकिस्मत है वो शख्स जो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनेगा। अल्लाह ने फरमाया कि फलां इलाके में चले जाएं, एक किसाब है गोश्त बेचने वाला, वो आपका पड़ोसी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तजस्सुस हुआ कि वो गोश्त बेचने वाला मेरा पड़ोसी। आप गए जाके देखा, वो पड़ोसी जो गोश्त बेचने वाला कसाई था वो अच्छा अच्छा गोश्त एक साइड कर रहा था और नॉर्मल गोश्त या दूसरा गोश्त बेच रहा था, और बाज़ औक़ात तो ग्राहकों के साथ वो ऊंचा भी बोल रहा था, मिसबिहेव भी कर रहा था, या दूसरे लफ्ज़ों में समझने के तेज सख्त बातें भी कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए, फरमाया कि मैं तेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं मुसाफर हूँ या मैं दूर से आया हूँ। वो अपने साथ ले गया, घर में गए उसका अमल देखने के लिए कि ये कौन सा ऐसा अमल करता है जिस बिना पे ये मेरा पड़ोसी बन गया। घर गए, उसने वो गोश्त जो साफ किया था, अच्छा गोश्त निकाला था, वो पकाया, पका के अपने माँ बाप को खिलाया। वो माँ बाप कि जिनकी शक्ल पहले वक्त में गुनाह करने से बदल जाती थी या इसी अंदाज में उनकी कैफियत थी, तो उनके माँ बाप वो दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरे इस बच्चे को या हमारे इस बच्चे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाना चाहिए। तो फिर समझ आई कि माँ बाप जैसे भी हो अपने बच्चे के हक में जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनके माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। देख ले तारीख में सहाबी रसूल का मुकाम कितना बुलंद है, कुल कायनात के हौस कुतुब अबदाल भी इकट्ठे हो जाए, ऐसे हौस ऐसे अबदाल ऐसे कुतुब जो मादरजाद वली हो, जो मादरजाद हाफिज़े कुरान हो,
जो अल्लाह के वली ऐसे हों जो पूरी जिंदगी रियाजत इबादत में गुजार के चले गए, पूरी दुनिया के ऐसे और इकराम करते हो जाए तो सहाबी रसूल के कदमों की खाक के बराबर। अब सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अलकमा है, उनकी जान भी अटकी हुई है। हजरत सहाबा कराम जिनमें हजरत बिलाल रजी अल्लाह, हजरत फारसी, सुलेमान फारसी, चार जय्यद सहाबा कराम, चार जय्यद सहाबा कराम को कलमा पढ़ाने जाते हैं, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, आपने उनकी वालदा को तलब किया, वालदा से माजरा पूछा, पूछा कि क्या नाराज हैं या खुश हैं अपने बेटे से। कहा जी मैं नाराज हूं, वजह यह है कि मेरी बात नहीं सुनता, अपनी बीवी की बात सुनता है, मैं खफा हूं। अपनी बीवी की बात को मेरी बात के ऊपर फौकियत देता है, मैं खफा हूं। अब उनकी मां ने जब माफ किया तो सुहाबी रसूल की जुबान से कलमा जारी हुआ। अब कलमा जब जारी हुआ किस बात के, मां ने माफ किया, सुहाबी का मर्तबा मुकाम कितना बुलंद है, लेकिन एक सुहाबी रसूल की भी जान नहीं निकल रही, उसकी मां नाराज। मां बहुत बड़ी हस्ती है, बड़ी शान वाली है। मेरा जाती तजर्बा है कि जब कोई काम ना हो रहा हो, वो मुश्किल पड़ जाए, परेशानी आ जाए, अपनी मां के पास जाओ, अपनी मां से दुआ करवाओ, अपनी मां से दुआ करवाओगे, अपने वालिद से दुआ करवाओगे, अल्लाह उस परेशानी को दूर करेगा। जिनकी माँ बाप का साया कायम है वो खुश किस्मत, जिनके माँ बाप चले गए वो इस नेमत से महरूम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा अब ध्यान से आना, अब एहतियात से आना, अब एहतियात से आना, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं है। तो लिहाजा चाहे वक्त के नबी क्यों ना हो, माँ की दुआएं फिर भी काम आती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आज ये मिलाद शरीफ महफिल है और इसमें सारे सवाब भी करते हैं, तमाम दोस्त अलहम शरीफ एक दफ़ा और तीन दफ़ा सिर्फ फातिहा पढ़ के मिलेंगे। बहुत सख्त जो कब